समाचार बिल्कुल अच्छा है, तुम अपने महल का कुशल तो कहकर के सुना दो। मेरी महल का समाचार बहुत सुंदर है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई तरह की तकलीफ नहीं है। सबसे पहले कनबज का समाचार तो ठीक है, कोई तरह का दिक्कत तो नहीं था। नहीं माँ, कोई चीज का तकलीफ नहीं है। मास्टर साहब मानते थे या नहीं मानते थे? बहुत मानते थे। पढ़ाई करने में मन लगता था? हाँ। लेकिन मैं एक बात आश्चर्य की देख रही हूँ। क्या देखती है? इधर से जब गया था दोनों भाई कन्वर्ट पढ़ने के लिए, तो दोनों भाई इधर से साथ गया था, और उधर से तुमने देख रहे हो कि बिल्कुल अकेला आया है। अमरजीत कुमार कहाँ है? क्या माँ, अमरजीत सिंह नहीं आया है? अमरजीत सिंह का पता तो तू ही बताएगा माँ। हाँ, अमरजीत सिंह को कन्वर्ट स्कूल से आया हुआ आज हफ्ता रोज हो रहा है माँ। हफ्ता रोज हो रहा है? हाँ माँ, मैंने उसी का पता लगाने के लिए आज कन्वर्ट स्कूल को छोड़ करके राजमहबा आए हैं। आखिर बेटा गया कहाँ? मुझे कोई पता नहीं है माँ कि अमरजीत सिंह जब कन्वर्ट स्कूल से भागा तो कहाँ गया है। मैंने सोचा कि अमरजीत सिंह जब भागा होगा तो अपना घर राजमहबा गया होगा। सोचने वाली बात है। आप तुम ही बताओ, अगर इस बीच में बाबू रुद्र सिंह आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी बाबू रुद्र सिंह को? तुमने साथ ले गया था अमरजीत कुमार को और अकेला आया है, सोचो मैं क्या जवाब दूंगी उसे। ना, बहुत अफसोस की बात है माँ। सही में अगर चाचा जी को पता चल गया कि इंदर सिंह आया है, मेरा बेटा नहीं आया है, तो चाचा जी मुझे जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे। आप सोचने वाली बात है। ऐसा करो, खाना खा लो। चलो मैं खाना खिला देती हूँ, खाना खा लो। खाना खा के चुपके से कन्वर्ट चले जाना। सही बात है माँ। अगर तुम इधर चुपके से कन्वर्ट नहीं जाएगा तो अगर उधर सिंह आ गया तो मैं उधर सिंह को क्या जवाब दूंगी? जवाब तो जवाब है, मुझे चाचा जी जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे। ठीक है माँ, तुम चले जाओ भरोसा लगाने के लिए, हम जा रहा थोड़ा आश्रम करने के लिए। जब तक मैं तुम्हारी खाना परोसा नहीं लगेगी उससे पहले मैं आश्रम करके वापस चला आऊंगा। आस्थान कथिल करे जे वीरे, आस्थान आर नहीं करी रेनु। चला बेटा खा लियो, की करबो मां। आस्थान के करे छे आइकाल्हि? बेदरार के आस्थान करलक ये ठंडा के मौसम से। देखे जी ठंडा के मौसम से दजार आर लग जेतो। सुन मां, बहुत दूर से आया हूं स्कूल से, चलते चलते मां बदन में थकावट आ गया है। अगर थोड़ा आश्रम कर लेंगे शरीर का थकावट दूर हो जाएगा, भोजन करके यहाँ से चुपचाप भाग करके चले जाएंगे। नहीं बुझलो बेटा, आई कल स्नान के करे छे? कौन करता है? 10 बजे दिन में नहा सुना के पूजा पाठ क्या के भगवती माई के सब चोर चोर चढ़ुआ चढ़ा के वो जवान लोग आर करे छे जकरा 2-3 गो धिया पुता छे, हमें आर क्या सके छे? तू आर स्नान कथी करबी? सुन, स्कूल में मुझे सब रोज नहाने की आदत बन गया है। सब नलावे रही? हाँ, जब तक स्कूल में नहीं नहाते थे तो मास्टर साहब बहुत पिटाई करता था। इसलिए मुझे आदत बन गया है माँ, जब तक स्नान नहीं करते हैं तब तक खाना नहीं खाते। अरे बाबू नहीं जा कथी स्नान करे जेबो? ए कुआं पर रुकना,
हमर दिया पोता बहुत दिन के बाद पैर कैले ये रुको न रे बाबू स्नान करे कथी ले जेबे चल खा लिय तू कनियो को खा लेबो त हम भर पेट खा लेबे अरे स्नान की करबे हमें जाय छ हम आर स्नान करते छिए भगवती माई के पूजा करते छिए तोरे खाते न करे छियो अब तू हमरा खातिर करे छी कि ककरा खातिर करे छी से हम देखल जाय छी आगो में की करे छी मला सहीए बेटा के ने करे छी हां त ठीक छ तू अपना ले पूजा कर हम जे करब करबे हम अपना ले करबे ठीक छ तू जो खाना परोसा लगे हम तुरंत खाना बनाल छ खाना सरे जतो त गड़बड़ आ जतो ठंडा हो गया ठंडा हुआ खाना हम खा लेंगे तुम चलो हम आते तुरंत आ जाए स्नान करें जी हां जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे अरे ननु कहे छे अरे सुगा स्नान तो क्या लबो न तो दे के मोल तो रहबे करता क्या तो भोरे भोर छे जे 10 बजे स्नान करे छे ओकरा दे के मोल साफ भए जाय सुन भोरे भोर छे जा छे कनी को लेहा लबे आ बगल में भगवती माँ छे ओकरा पूजो क्या लबे और भगवती माँ से दुआ मांगबे कि हमर छोटका भैयारी मिल जाना चाहिए हाँ बेटा हे ये बात जो मायो हम आवे छ तुरंत आवे छ जा माँ जा जल्दी आवी न रे हां के चल आवे छ तुरंत हां आप तक मत ल्या रे ननु फेर घुर के आवे छ कतले चल कंटा खा लेबो त नहीं है तो जो न तोरा भूख लागल छ तो ही पहले खा लिया जो हम बादे में खबे जो हां हम बादे में खबे तू चल ले चला बेटा खा लियो कदी कनीटा खा लेबो हम भर पेट खा लेबे रे ननु चल अच्छा हमर सुगा बात के मन आबा बेटा एक जोर ने हम आबे छ छ ए रे यह चीज परेल कर मास्टर साहब एते तू बात के कथी ले बनबे चल चल ना चल खा ले चल चल अंडा खा ले चल कनी तो तू खा लेबो रे हम भर पेट खा लेबे समय बहुत दिन के बाद कपार फोड़ दबो बुझ लेली मास्टर कल कर जे एक सत्य बेर बात नहीं माने ना ओरा कपार कान फोड़ दे ले बोल चल आबे छी जल्दी अभी ना हां चल आबे छी जल्दी आइए रे ननु जल्दी आइए हां के चल शैतान चल ले तू जब मोर जबी ना जकरा धर भी ओकरा छोड़ भी नहीं ओकरो ले नहीं चल जे जल्दी आइए हां चल आबे छी जल्दी आइए जा छियो जा छियो जो ना शैतान जो ना मोरे तकरे ने देख लिया मोरे ए रे बाबू मोरे त हम ककरा देखबे रे जे मोरे छे से मोरे छे केना मोरे छे हम की जान गेलिए एबे मोरो के देखि ने नै बाबू अखनी मरबो फांसी लगा दियो फांसी अखनी नै मरबो रे बाबू फांसी लगा दे छो मोर जो रे मोर जे तोरा खाइल के दे त बहुत नहिए गेलियो यार रे आ कोनो बात नै अकल नै मैं बाप सब पूछे छे लोग होटल छे ने अपने त लोग दीवाना रहै छे ई त अचरा उठबै छ कखनी छोरा रे दिमाग आर नै छ चल जल्दी अभी जल्दी आइए रे ननु ए रे यान यान रे यान गय मैं हमर बेटा बहुत दिन के बाद एले सुन सुन तोरे सनक में आया कहल कोरेक्स पिए वाला छोरा के मिल जाय छै न आजकल कोरेक्स चले एक के फाइल दे 350 रुपया ले छै बुझलिए जानै छी जानै लोग कहे छै से जानै छी त छोरा त कोरेक्स पिले छै हां दिल दिमाग में त रहै नै छै ना आ कोनो सब गेल घर हां आ मैं के भेल जो घर के मैं का डर भेल कहलक रे ननु कता के लग रहा है आ छोरा जे ताकलक न मैं तोरे सन सन मैं गोर नहीं लागे चल तो हम प्यार से जल्दी आइए ना अच्छा जल्दी आइए ये जल्दी आइए ठीक है ए रे यान रे सारे आगे ले खाए ले देखो बुखार लागल नुनु रे तोरे बुखार लागत
दूध औट कर रख दलिया बुझलो, 5 किलो दूध का औट कर रख दलिया और मेते मन के छाली भए गेल, सब छाली हमें खा जबा दूध तोरा ल धर दबा ना। हमर माय कतेक बढ़िया छे, सब छाली खा जते हउ पैन वाला दूध रे काम रल के, पहले तोई पैन ओ दूध ओ पी जई छालियो खा जे जो मटका छाली ल, तू छाली हमें खा जे खा जे हमर दूध तोरा ल धर, हमयो एक दूध ओ तोई पी जई जो और आम मोटा के की करबी ना बुझरो, एक तो दुबरा ले जाय छी मैं, आप मटक की कर खरा कम भए गए, चल के जल्दी आइया न तो बाप क्रिया दे दबो, ठीक है आइया जल्दी रे रे ला तो झटा के बो आमे, चाचा जी के दरबार जा रहा हूं, जब तक अपने छोटे भाई अमरजीत सिंह का पता नहीं लगेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ठीक है। मैं चाचा जी को आवाज लगाता हूं, चाचा आप सुन लो
आखिर क्या बात है, रो रहे हैं? कहलोन क्यों जाइ छब बेटा रे अबा? क्या मेरे पिताजी कोई तकलीफ दी है? कहलोन जाइ छब सुगा तोरो चाची सारे पीला कानो चाचे दिया हो सुने दुश्मन बन गई है। मेरे तन पर जो कफट का कपड़ा दिख रहा, हाँ ये कफट अमरजीत स्कूल से आया। अमरजीत सिंह स्कूल से आया है? हाँ दिल सिंह। अच्छा, और उसने बड़ी माँ के पास भोजन करने के लिए गया, अचानक उसके ऊपर झूठे मीठे के इल्जाम लगा करके मेरे पास आ गया, मुझसे कहने लगा माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई कि आप एक बार मुझसे सत कीजिए, मैं सारा कह करके कहानी सुना दूंगी। नखड़ा दिखाना शुरू कर दिया, सर पटक पटक करके मरने के लिए तैयार हो गया। मैंने बहुतों समझाया, उन्होंने नहीं माना, मुझसे सत करवा लिया। उन्होंने बोली कि आपका बेटा मेरे पलंगों पर लात रख। नहीं, ऐसा मेरा भाई अमरजीत सिंह नहीं कर सकता है। बेटा माँ के गोद में नहीं जाएगा, बेटा माँ के पलंग पर नहीं जाएगा।
तो किसके पलंग पर जाएगा, कौन मां पिता को खिलाएगा? मेरे साथ धोखाबाजी करके सत करवा करके उन्होंने मेरे हाथों से मेरे बच्चे को कत्ल करवा दिया। क्या आप अपने हाथों से अमरजीत सिंह को हत्या कर दिए? इसलिए मैंने अपने मां से पूछने के लिए गया तो मां मुझे नहीं बताई है। ठीक है चाचा जी, आप 2 मिनट के लिए बैठिए, मैं माँ को बुला करके पूछता हूँ, अगर आपको जरूरत पड़ जाएगा आपको बुलाएंगे, आप आ जाइएगा। ठीक ठीक माता है गे सुन ले सोने गे सुकुमार असलाना कारी मैया के ये लो बे खाना तो खाने के लिए हम तैयार है, लेकिन जब भी खाना खाता था माँ तो हम दोनों भाई एक साथ भोजन करता था। आज अमरजीत सिंह को छोड़ करके अकेला भोजन कैसे करेंगे माँ? तुम तो अमरजीत सिंह को छोड़ दिया, कन्वज में अकेला आया है, अमरजीत सिंह को यहाँ कहाँ से ढूंढ रहा है? सही बात बोली माँ, कन्वज में अमरजीत सिंह को नहीं छोड़ा हूँ, अमरजीत सिंह को मैंने साथ शामिल लेकर के आया हूँ। साथ ला कर लिए? हाँ, क्यों कह लिया अपना म्याल लेना, हमें लिया अपना म्याल लेना। हमें तो कह लिया हमार बेटा मजाक नहीं करे छे, तोरो मजाक करे के आदत ले गेलो, कनी को सीख लिए ये प्रैक्टिस करे छे। हां प्रैक्टिस करे, ठीक है चलो। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो हम अमरजीत को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूं। मंगा ने दिखंता देखबे तो हमरो आत्मा जुड़ आ जाए। हां आत्मा तो अरे जुड़ अभी तुरंत बुलाता हूं, बुला देन कंटा चाचा सुन ले बाबुआ ये चाचा चाची बेटा सा चाचा जी, आप चुपचाप सीधा खड़ा रहिए, माँ नजर उठा करके देख अमरजीत सिंह आ करके खड़े हो गए। चश्मा पिन भी चश्मा जवानी मान और भाग लिए, देखिए चश्मा पिन भी रुकना पहले रुका है मास्टर उगाड़ी
खाई लू मिले छे दे मर्जी रे ये की बेली भोरे भोर ले हा कर लिए ये रे ननु ले हा के वो डबरी में से ले हा के ले जाय छे पूजा कर ले भगवती माई थो भोरे रुक रुक पूछे दे हमरा ये ननु अखने ले हा ले खबुआर करबे ये की ले छे अल्लाह जकन लागे मेरा भाई का दुश्मन कौन है? ये अल्लाह से नहीं है, इसके बदन पर कफन है। कफन है गो चाचा जी, जरा खोल के बोलिए, ये घमंडी को उसके बाद विश्वास हो। मैंने उस समय भी बोला हूँ, मैं भी बोलने में अभी भी नहीं चुका। सारा बीमारी की जड़ तुम्हारी, ये बोलने से इनकार जा रही है। ये बोल रही कि हम अमरजीत सिंह के बारे में मुझे मालूम नहीं है, इसलिए आपसे मेरा यही गुजारिश है कि आप एक बार इसके सामने में खोल करके बोलिए कि अमरजीत सिंह का हत्यारा कौन है। आप क्यों नहीं जवाब दे रही, पूछ रहे थे बच्चे का हत्यारा ये है तो ये है। मैं जब भी बोला अभी बोल रहा हूँ। छोरा का कतेक दलिए, छोरा तो यहाँ लगा गया लेते कतेक दलिए। माँ तूने जिंदगी भर राज बाबा ने बहुत चलाकी किया, लेकिन तुम्हारी चलाकी चला नहीं। आखिर चोरी तुम करती है पकड़ा जाता है। हाँ मैं की चोरी करी? तू अमरजीत सिंह को हत्या क्या है? अरे पागल है यार, गले माथा नाम के चीज रहे, दिमाग में हरा गले। तुम इसके साथ सच करवाई है और चाचा के हाथ से तूने हत्या करके उसका कोर कलेजी पर तूने आसलन किया है। रे नूनू तो पागल हम तो कही आहाफे पागल फूल पगला गए। ये पागल नहीं है, तुम पागल सबको बना रही है। इतना मैं तोरो पगला दे तो हमको क्या पगलाएगा? अगर माथा नाम के चीज कहाँ से की काल को तेरा कुछ काल तो यार है गो। ए छोरा कहाँ छा है? छोरा का कतक दलिए है? हाँ बजर खसो ना देख के ना जा रहे थे मुंह टुक टुक से ताकि आंख बजार के निकाल लेवे। एक आप जाइए चाचा जी। अरे नूनू एक रात पहले पूछा चल रे किया हर बार करे छी रे छोरा का पहले पूछ कतक दलो छोरा के छोरा कतक दलो बाइक जो तस मार दबो गजवा साइक निकाल लो बा। आप बोलो ऐसा काम तूने क्यों किया? रे बाऊ किसके कहने पर किया? पहले गप सुन में तब ने। हाँ बोलो। छोरे के ने बारे में पूछे चाहे हाँ। की कहतो कहबो तो हमे ओकरा कोनो बोले ला आवे छे बोध लग गेलै देखली ने ओकरा बोले ले थोड़ी आवे। अरे बोल ले छोरा ठीक ये एले रे सुन लो छोरा एले ने तो डायरेक्ट के ओत गेले अपना बाप लंग गेले तो कल के जाय गाड़ी की कल कर से अच्छा हो मुझे कुछ याद नहीं है। जाने के टाइम में वहां ने बोला था अगर दो भाई में से कोई लौट करके चला आएगा तो मैं उसे जिंदा बचने के लिए नहीं दूंगा। वो मुझे बोले थे कि अमरजीत सिंह भाग के आएगा इंदर सिंह तुम्हारा सर काट लेंगे या इंदर सिंह तुम भाग करके आएगा तो तुम्हारा फिर भी सर काट करके दरबार में लटका। पहले तो वह नहीं लाए, पहले वह अगर वो जाता तो हम मारा जाते। पहले वो अले ना तो गेले दरबार, दरबार में जहना देख लगे था ताका एक निकल गए ओकर छोरा को झूठा पकड़ लिया जमी पे पटक दिया और मार मारने लगा कोरा मामा का करके बेटा चिल्लाने लगा मैं क्या करती मैं खाना बना रही थी उस टाइम में बेटा का आवाज रोने की आवाज मेरी कानों में गई मैंने दौड़ते हुए दरबार आती हूँ तो बेटा को सर पटक पटक करके मार रहा है जमी पे उठा उठा करके पटक पटक करके पीट रहा है। मैंने थोड़ी सी बोली काहे पिटाई करते हैं देवर जी
वह दुश्मन ने मुझे कहने लग, भाभी मेरे सामने से चली जाओ, अगर नहीं गई तो मैं तुम्हें जिंदा जला करके राख कर दूंगा। अरे बाबू, अरे डर से मैं भाग गया, आवे बीच में छोरा के की कलके नहीं कलके कतेक दलके नहीं दलके हम कुछ न जाने छी। तो तुम उसको हत्या नहीं करवाई है, ठीक है? अगर तुम उसको हत्या नहीं करवाई है तो मेरे सर पर हाथ देख करके कसम खा ले, बोले भगवान।